Dear students, welcome to English Literature class of Grade 6th. Students, let's start. Come to the page number 24, chapter number 2, Paper Boats. Students, we have already read this story in the last video. Today, again, I'm going to explain this story to you. Come to the first paragraph. Bent over a stream of a muddy rainwater, Anna gently launched a paper boat. Like the two earlier ones, this boat too sailed down the stream swiftly and proudly. एक बार क्या हुआ, मडी रेन वाटर था स्टीम में, क्या हुआ, एना थी, जो एना थी वो अपनी बोट को लॉन्च कर रही थी. उसने लॉन्च की अपनी बोट, लाइक द टू अर्लियर वंस, जैसे उसने पहले लॉन्च की कुछ बोट्स, उसने एक बोट और लॉन्च की. दिस बोट टू सेल डाउन द स्ट्रीम स्विफ्टली एंड प्राउडली, बड़ी स्विफ्टली और प्राउडली से उसने स्ट्रीम के अंदर बोट डाली. एंड ईच टाइम दैट हैपेंड एना वुड श्रीक विद डिलाइट. हर टाइम जो एना थी वो खुशी से डिलाइटफुल हो जाती थी, बहुत उसको खुशी मिलती थी जब उसकी जो बोट थी वो स्ट्रीम में स्विफ्टली और प्राउडली मूव करती थी पानी में. बट दिस टाइम समथिंग हॉरिबल हैपन्ड. इस टाइम क्या हुआ, कुछ हॉरिबल हो गया उसके साथ. अ बिग बॉय पॉन्स्ड ऑन हर बोट एंड पुल्ड इट आउट. एक बड़ा सारा बॉय आया जिसने उसको क्विकली से उसको उस बोट को पुल कर दिया पानी में से. ही वाइप्ड ऑफ द वाटर एंड टर्न द बोट अपसाइड डाउन. उसने पानी को वाइप ऑफ कर दिया, निकाल दिया और बोट को अपसाइड से नीचे की तरफ कर दिया. एना stared at the boy. Stared means continuously देखना. जो एना थी उसने continuously boy की तरफ देखा. He was huge and dirty. वो बहुत बड़ा था और गंदा था. And so engrossed का मतलब क्या होता है, interest होना. वो बहुत interested था. He was so engrossed in inspecting the boat. वो boat का inspect कर रहा था. That he did not notice Anna's angry stare. और उसने एना के फेस को नोटिस नहीं किया कि वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड था उस बोट को जब उसने पुल किया, निकाला और उस बोट की तरफ वो इतना इंटरेस्टेड था कि उसने एना का जो एंग्री फेस था उसकी तरफ उसने देखा नहीं है, उसने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया. शी टर्न एंड रैन इन टू द हाउस. और वो गुस्से से अपने घर की तरफ चली गई जो एना थी, क्योंकि बॉय तो बहुत इंटरेस्टेड था, वो बिजी था उस काम में. जो उसने उसकी तरफ एना की तरफ ध्यान ही नहीं दिया उसके एंग्री फेस की तरफ. फिर उसने क्या किया, वो कंटिन्यूसली उसकी तरफ पहले तो देखती रही, फिर उसने उसके बाद अपने वो रन करके अपने घर चले गई. जैसे ही वो अपने घर की तरफ गई, आंट अवंती वॉज सिटिंग इन एन आर्म चेयर वॉचिंग द न्यूली वॉश्ड ट्रीज एंड ब्यूटीफुल स्काई. जो आंट अवंती थी उसने जो ट्रीज थे उनको, उनकी तरफ वो देख रही थी और जो ब्यूटीफुल स्काई था ऊपर उसकी तरफ देख रही थी. और जो वॉश्ड ट्रीज थे, वेदर बहुत अच्छा था, ट्रीज भी साफ सुथरे थे, तो वो उनकी तरफ देख रही थी एक आर्म चेयर के ऊपर बैठ के. व्हेन एना बार्क्ड इन हर फेस रेड एंड लिप्स पॉन्टिंग. जब एना गई वहाँ पे तो उसका जो फेस था वो रेड था और उसके जो लिप्स थे वो पॉन्टिंग कर रहे थे. पॉन्टिंग मीन्स जब आपके जो लिप्स होते हैं फॉरवर्ड के ऊपर की तरफ होते हैं, वो एंग्री एक्सप्रेशन शो करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, पॉन्टिंग. तो वो पॉन्टिंग कर रहे थे और वो बहुत डार्क हुआ पड़ा था उसका जो फेस था. That awful boy, he snatched away my boat, he said. जो awful boy है उसने मेरी boat को snatch कर दिया. Don't worry, वो कहता don't worry. है ना, उसकी जो आंट है वो कहती है कि कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया. आई विल मेक अनदर वन फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए एक और बना दूंगी. आई विल मेक फॉर यू. आंट अवंती ट्राई टू कंसोल हर. वो उसको कंफर्ट दबा रही थी. कंसोल मींस कंफर्ट. वो उसको कंफर्ट क्रिएट कर रही थी कि अगर तुम्हारी उसने दोबारा से बोट भी ले ली तो कोई बात नहीं. वाई यू आर फीलिंग एंग्जाइटी, कुछ नहीं होता. वट इफ़ ही टेक्स दैट वन ऑल्सो. वो कहती कि अगर जो अपने एक बनाओगे वो भी अगर उसने ले ली, देन आई विल मेक सम मोर बोट्स. वो कहती, आंट बंती कहती, तो मैं और बना दूंगी बोट्स. एंड सपोजिंग ही टेक्स ऑल ऑफ देम, अगर वो और सारी ले लेता है. नो ही वॉन्ट. वो कहती नहीं लेगा वो, बिकॉज आई विल मेक फॉर हिम एज वेल. मैं उस बॉय के लिए भी एक बना दूंगी. बट वाई शुड यू मेक एनी फॉर हिम, आप क्यों उसके लिए बनाओगे. बिकॉज आई डोंट थिंक ही हैज़ एन आंट अवंती हु विल मेक बोट्स फॉर हिम.
मुझे नहीं लगता उसके लिए कोई आंट बनती है जो उसके लिए बोट्स बनाएगी, मुझे नहीं लगता, कहती उसके लिए कोई आंट बनती जैसी है जो उसके लिए बोट बना सके। देन कांच ही मेक दैम हिमसेल्फ, क्या वो अपने आप नहीं बना पाएगा? ही सो बिग, वो इतना बड़ा है वो अपने आप नहीं प्रिपेयर कर सकता बोट? यस है ना, बट मे बी नो वन एल्स टॉच हिम हाउ टू मेक बोट्स, किसी ने नहीं उसको बताया कि बोट्स को कैसे बनाना है। वाई डिड नॉट ही गो टू स्कूल, वो स्कूल क्यों नहीं जाता? आंटवंती जस्ट स्माइल, आंटवंती जो थी वो उसने स्माइल किया, शी हैड कट सम पेपर्स इन टू स्केयर्स एंड वॉज ऑलरेडी फोल्डिंग वन, वो जो पेपर्स थी उसने कट किया स्केयर्स में, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के पेपर्स थे उसको उसने कट किया। सी हेयर इन दिस पिक्चर स्टूडेंट्स, डिफरेंट पेपर्स आर देयर, जो आंटवंती है उन्होंने उसने ये जो पेपर थे उनको कट किया और उनसे डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड्स को प्रिपेयर किया। उसने पेपर्स को स्क्वायर शेप्स में कट कर लिया एंड ऑलरेडी फोल्डिंग वन उनको फोल्ड कर लिया। इन नो टाइम अ बोट वॉज रेडी, बोट रेडी नहीं थी उस टाइम, सिर्फ उसने पीसीस को कट किया था। देन शी मेड अ फ्यू मोर, फिर उसने और बनाए और कट किए। फाइनली शी गिव ऑल द बोट्स टू एना एंड सैड हेयर नाउ रन अलॉन्ग एंड हैव फन, उसने वो पेपर्स एना को दिए और उसने बोला कि अब तुम रन करो और फन करो इन बोट्स के पेपर बोट्स के साथ। Students, this chapter we will continue in the next video. I hope all of you have understood. If you have any doubt, you can also ask me in the interaction class. Thank you. Have a nice day.